2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सांसद चौधरी जी का वो पीटा कार्यक्रम है, अभी हो रहा है। आज आप विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या मैसेज है, क्या कहेंगे? विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को योजनाओं का की जानकारी देना, उनका लोगों को ठीक से लाभ पहुंचाना। इसी उद्देश्य से प्रत्येक गांव के अंदर ये विकसित भारत योजना के माध्यम से ये यात्रा निकालने का काम किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ने का काम कर सकें। दूसरा, आपने देखा होगा बहुत सारे लाभार्थी अपने वक्तव्य के माध्यम से भी और योजनाओं का लाभ लेने का जो उनका भाव देखने को मिला है, वो वाकई इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम लोग मोदी जी की सरकार के साथ जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ आदरणीय योगी जी के साथ जुड़े हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ने किस प्रकार का बेहतर माहौल इस देश के अंदर बनाने का काम किया है, ये आज हम सबके सामने है। मोदी जी का कहना अभी उन्होंने बोला भी है, अपनी स्पीच में बोला है कि मोदी की गारंटी, यानी कि मोदी जी ने जो कहा है उसको करने का काम किया है, और बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे परिणाम उस देश के लिए आदरणीय मोदी जी ने देने का काम किया है। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं इस देश के अंदर मुंह बाय खड़ी थी, उनका समाधान एक एक करके उन्होंने करने का काम किया है। आगे भी इसी प्रकार से देश में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सके, हम सब लोग इसी उद्देश्य से लोगों के बीच में लगातार आ रहे हैं, लगातार लोगों को लाभ मिलने का काम हो सके, योजना उसका ठीक से लोग जुड़ करके उनका लाभ उठाने का काम कर सकें। अच्छा सर, कुछ बाढ़ पीड़ित किसान जो अभी उन्हें कोई किसी प्रकार का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बाढ़ पीड़ितों का विषय पिछले दिनों मेरे सामने आया था, मैंने दिशा की बैठक मैंने जब की थी, मैंने DM को सभी अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित भी किया था, अगर इस प्रकार का सर्वे होने के बाद जिन लोगों का, किसान भाइयों का नुकसान हुआ है, उसको चिन्हित करके उनको जल्दी से जल्दी दिलवाने का काम करिएगा, मैं कह चुका हूँ। सर, पुनः वो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न ना हो, जलस्तर बढ़ने के कारण जिस तरीके से काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ है, अभी तक किसी तरह की मरम्मत कार्य शुरू नहीं वहाँ पे किया गया है, उसके लिए क्या है? उसके सैंक्शन की जो ठोकर डैमेज हुई थी, मैं गया भी था वहाँ मौके पर, और ठोकर डैमेज होने की जो प्रक्रिया स्वीकृति की होती है थोड़ी रहती है, अभी वो प्रक्रियाधीन है, प्रक्रियाधीन पूरी होने के बाद, स्वीकृति आने के बाद उसका निर्माण कार्य भी होगा।